जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सर आप सभी लोगों को पीके सर मैथ्स पर स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग कैसे हैं? मजे में है ना? एक बार कमेंट करिए, साउंड ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है तो यस लिखना, यस या नो में जवाब करना है सर। ऑडियो और वीडियो जा रही है क्लियर, यस या नो? यस या नो में जवाब करना। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। सेशन को शेयर कर दें कि सभी लोग जुड़ जाएं और इंजॉय लेकर के पढ़ते रहें। एस सर, साउंड क्लियर है सर। पिछले तक हम लोग पिछले क्लास में हम लोग 17 वाले सब डिस्कशन कर चुके थे कि 12, 16, 18, 20, 25 से छोटी संख्या। 16 हुआ था 17 कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था तो पहले 17 कर ही दीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। करा 12, 16, 18, 20 और 25 से छोटी संख्या पी को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में चार शेष बचता है, लेकिन पी से विभाजित किया जाए, पी नहीं या क्या है, पी के स्थान पर 7 से विभाजित किया जाए। हमें लग रहा है कि ये सवाल हो चुका है, आप लोग का क्या लग रहा है? पी को 7 से विभाजित किया जाएगा तब पी में 1000 में स्थान पर कौन सा अंक आएगा? पी है जो 7 से क्या है, विभाजित है। हुआ है कि नहीं हुआ है वाले सवाल? नहीं हुआ है तो करेंगे और हो गया है तो आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले इस तरीके के सवाल को हम लोग एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर के हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। लीजिए एलसीएम सर। एलसीएम लेने में हम लोग को क्या है? तीन आ रहा है, सबका आंसर तीन आ रहा है, तीन आ रहा है। यस सर, 18 नंबर से होगा, 17 हो चुका है, तब 18 पर आ जाइए। तो पी चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहां से टाइप चेंज है सर। हम आपको बताए थे कि इसमें से तीन टाइप के सवाल देते हैं। एक है जो आपका क्या होगा, शेषफल समान होगा, और एक संख्या और शेषफल के अंतर समान होगा, और एक नहीं तो शेषफल समान और नहीं संख्या शेषफल के अंतर समान। तब हम लोग कैसे सवाल को बनाएंगे, जैसे बात को हम लोग को समझना है, कमेंट कम करना है, बातें को अब गहराई से समझने का प्रयास करना है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार से भी कटे, पांच से भी कटे, छह से भी कटे, 7 से भी कटे, ये संख्या है। और शेषफल कितना बच रहा है? 2, 3, 4, 5। संख्या भाग करना है 4, 5, 6, 7 से। शेषफल बचना है हमें 2, 3, 4, 5। अभी तक सब शेषफल समान बच रहा था, लेकिन अब यहाँ शेषफल समान नहीं बचा, शेषफल है 2, 3, 4, 5 अलग अलग। तो आप जानते हैं कि जब पॉजिटिव रिमाइंडर समान नहीं बचा है तो नेगेटिव रिमाइंडर समान बचेगा। चार में से दो चला गया तब कितना हो गया, माइनस। नेगेटिव रिमाइंडर -2, पॉजिटिव 3 है तो नेगेटिव रिमाइंडर -2 है। पांच में से तीन, 6 और 4 का अंतर -2, -2, तो संख्या और शेषफल का अंतर समान होगा, इसे हम बोलेंगे नेगेटिव रिमाइंडर सर। कौन सा रिमाइंडर? नेगेटिव। जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हैं उनका ये पता होगा कि रिमाइंडर पॉजिटिव में भी निकलता है और नेगेटिव में भी, लेकिन किसी भी संख्या का रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव में नहीं आएगा तो जिस संख्या से भाग देंगे उसे हम लोग क्या कर देना है, हम लोगों को घटा देना। तब पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों समान होता है, दोनों पॉजिटिव में भी बच सकता है, नेगेटिव में भी बच सकता है, लेकिन आंसर पॉजिटिव में करना है। तो सबसे बेसिक इसका तरीका यह है कि सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए और इसका एलसीएम ले लिए संख्या का। संख्या का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, चार से भी
कटे, पांच से भी कटे, छह से भी कटे, सात से भी कटे, तो एलसीएम चार पांच छ और सात, एलसीएम ऑफ, इसे हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ फोर फाइव सिक्स, एलसीएम ऑफ फोर फाइव सिक्स, चार से कटे, पांच से कटे, छह से कटे, सात से कटे, इसका के मल्टीपल में रिमाइंडर हम लोग पहले भी जोड़ते थे तो अब भी रिमाइंडर को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ रिमाइंडर नेगेटिव में है तो जुटने के स्थान पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा जुटने के स्थान पर। सबसे पहले इसका एलसीएम बताइए सर कमेंट में, एलसीएम, एलसीएम कमेंट में क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि एलसीएम इसका क्या होगा। तो आप कहिएगा कि एलसीएम चार पाँच छः सात से कटने वाली कौन सी संख्या है जो चार पाँच छः सात, क्विकली थोड़ा सा पेन और कॉपी लेकर के बैठना है कि ये ठंड थोड़ा बढ़ा हुआ है, सब महसूस कर रहे होंगे, तो ठंड में आराम से पेन कॉपी लेकर के और क्या करते रहना है आप लोगों को, कैलकुलेशन। एलसीएम आ गया सबका 420 आ गया, तो एलसीएम हो गया 420, एलसीएम 420, और 420 के मल्टीपल में हम लोग को रिमाइंडर को क्या कर देना है, जोड़ना है। तो 420 का के मल्टीपल रिमाइंडर को हम जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर समान है माइनस दो, तो आप कहिएगा कि 420 के माइनस दो, माइनस दो, 420 के माइनस दो होगा, लेकिन चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें चाहिए, ऑप्शन से हम इसे चल नहीं सकते हैं क्योंकि 9 से विभाजित होने के बाद शेषफल बचना है, तो हम चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 ले लिए, 9999, इसमें भाग कर दिए 420 से, कितना बार में कट गया सर, दो बार में, तबे हो गया 840, 840, यहाँ 9, यहाँ 5, यहाँ 1 हो गया, फिर ऊपर 9 उतरा, कितना बार में भाग लग गया, अब तीन ही बार में भाग लगेगा, तो 1200 कितना हो गया, 60, शेष बचा 9, 3 और 339, अगर 339 हम 99,900 में, 99,999 में 339 को अगर हम घटा दे तो आप कहिएगा कि पूरा विभाजित हो जाएगा सर, 9,6,6,9,660 ऐसे चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे चार पाँच छः और सात से, लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं, रिमाइंडर हमें नेगेटिव में माइनस दो चाहिए, तो आप 9,660 में, 9,660 में दो घटा दीजिए तब ये हो गया 9,658, 9,658, लेकिन 9 से भाग दे करके रिमाइंडर निकालना है, तो 9 से हम भाग कर दिए तो शेषफल 9 से 9 कट गया, 6 5 11 11 और 8 19 9 से कट गया दो बार में, तो शेष बच गया एक, इसका पूरे रिमाइंडर कितना आ गया, पूरे का कहिएगा पूरा का पूरा रिमाइंडर एक आ गया। धीरे धीरे सर आगे बढ़ते रहिए, हाँ सर धीरे ही धीरे, ज़्यादा फास्ट भी हम लोग नहीं चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। आया, फिर से एक बार बात को समझना है, अच्छा सवाल है ये, दूसरा टाइप का सवाल आ गया, पहला टाइप का हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे जिसमें रिमाइंडर ऑलवेज सेम आ रहा था, इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर सेम हो गया, तो नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ही घट गया, अर्थात यदि शेषफल समान नहीं रहेगा तो संख्या और शेषफल के अंतर समान होगा, इसके एलसीएम में के मल्टीपल में अंतर को घटा देंगे, एलसीएम के मल्टीपल में इसके अंतर को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, एलसीएम के मल्टीपल में अंतर को घटा देना, तो एलसीएम 420 के मल्टीपल में अंतर दो आया, संख्या और शेषफल का घटा दिए, 420 से कटना है 9,999 या 9,999, 339 शेष बच गया, 9,999 में 339 घटा दिए 9,660, वो चार अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या आएगा जो भाग करेंगे चार पाँच छः सात से विभाजित, लेकिन शेषफल दो तीन चार पाँच चाहिए, तब यहाँ दो शेषफल संख्या शेषफल के अंतर घटा दिए, 9,658 ऐसी संख्या है, कैसी कहिएगा, ऐसी संख्या है सर कि भाग करेंगे चार से तो शेषफल दो बचेगा, पाँच से
तीन बचेगा, छः से चार बचेगा, सात से पाँच बचेगा। संख्या पूछता 9658 हो जाता, लेकिन शेषफल पूछ रहा है 9 से भाग कर दिए, एक आ गया रिमाइंडर। सिमिलर सवाल इसका आंसर करिए। प्लस दो नहीं ऐड कर सकते हैं सर? नहीं भैया, प्लस तो हम ऐड करें ही, संख्या प्लस रिमाइंडर तो होता ही है, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर है, माइनस दो है, तब प्लस माइनस माइनस हो गया, अर्थात संख्या और शेषफल के अंतर को घटाना है सर, संख्या और शेषफल के अंतर को घटाना है। ये नोट में करके लिख दीजिए कि संख्या और शेषफल के अंतर को घटाना है, संख्या और शेषफल के, संख्या और शेषफल के, संख्या और शेषफल के, शेषफल के अंतर को घटाना है, शेषफल के अंतर को घटाना है सर, अंतर को घटाना है, संख्या और शेषफल के अंतर को घटा देना, जो आएगा तो उसे घटा देंगे। अगला नंबर, वह छह अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12, 15, 20, 24, 30 से पूर्णतः विभाजित करने पर 8, 11, 16, 20, 26 शेषफल बचता है। अच्छा, ये तो बाई ऑप्शन भी हम लोग चल सकते थे, लेकिन यहाँ बाई ऑप्शन नहीं चलेंगे, यहाँ रिमाइंडर, संख्या निकालने के बाद हम लोग को रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। यहाँ बाई ऑप्शन भी चलेंगे, लेकिन पहले बेसिक दूसरा तरीका पर हम लोग ऑप्शन पर आएंगे। सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए कि एलसीएम ऑफ कौन कौन सी संख्या का एलसीएम, एलसीएम ऑफ हो गया 12, 15, 20, 24, 30, इसका एलसीएम के गुना में रिमाइंडर हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। रिमाइंडर को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सभी के कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि इनका रिमाइंडर एलसीएम क्या होगा, क्योंकि संख्या शेषफल का अंतर समान होगा। एक बार चेक करवा देते हैं, 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, यहाँ हो गया 8, यहाँ 11, यहाँ 16, यहाँ 20, यहाँ 26, अंतर देखिए समान है, 4, 4, 4, 4। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर समान नहीं है तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर 110% समान होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं समान है तो कौन सा रिमाइंडर समान होगा सर? नेगेटिव रिमाइंडर इसका समान होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव रिमाइंडर समान कर देना है। अब नेगेटिव रिमाइंडर समान करने के लिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बताइए कमेंट बॉक्स में, अभी तक एलसीएम नहीं आया, इसका मतलब आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ है सर। एलसीएम अभी तक नहीं आया है, एलसीएम 120 आ गया, ये सब कौन सा छोटा नंबर था, एलसीएम डायरेक्ट 120, अब सब लोग का आने स्टार्ट हो गया 120 120, तो इनका एलसीएम हो गया 120। तो आप कहिए कि एलसीएम जब 120 हो गया सर, तब ये हो गया 120 के और प्लस का रिमाइंडर है कितना, अंतर है इसका 4 है, तब माइनस का 4 कर दीजिए, 120 के माइनस 4। छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, 6 बार 9 दे दीजिए, 9,99,999। 120 से अगर हम भाग करेंगे तो 8 बार में लग गया, 12 8 96 960, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 3, अब यहाँ 9, 3 बार में फिर लगा दिए भाग, तब हो गया 336, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया, फिर ऊपर से एक बार 9 लाया, फिर 3 बार में लगा दिए, 360 हो गया, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 3, फिर ऊपर से एक बार 9 आ गया तो 360 हो गया, शेष बच गया कितना सर, 9 और 3 39 शेष बचा, तो 39 आप इसमें से घटा दीजिए, 9,99,999, 2 2 4 6 बार 9 में 39 घटा देंगे तो वो संख्या आ गया 0,6,9,9,9,9, 9,99,960। ये पूर्णतः विभाजित होगा, लेकिन शेषफल 8, 11, 16, 20 बचना है, तो संख्या और शेषफल के अंतर कितना है, संख्या और शेषफल के अंतर 4 है, तो इसमें 4 को घटा दीजिए, आ गया 9,99,954, 9,99,956, 54 नहीं सर, 56,
9,99,956। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द एलसीएम ले लीजिए संख्या के, और संख्या और शेषफल के अंतर को एलसीएम के मल्टीपल में घटा देंगे। संख्या और शेषफल के अंतर को एलसीएम के मल्टीपल में घटा देंगे। साउंड सही करिए सर, साउंड नहीं जा रहा है सही। ये भैया एक बार पहले कमेंट करिए, साउंड सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। साउंड जा रहा है सही? साउंड सही है तो क्यों कह रहा है साउंड सही करिए सर, साउंड सही रहना ही चाहिए। ऑप्शन बी को लॉक करिए सर, बी लॉक हो गया। अब बात को समझना है, हम लोग ऑप्शन बी को लॉक कर दिए, लेकिन ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन हम लोग चलेंगे। कैसे चलेंगे? बाई ऑप्शन। और बाई ऑप्शन चलने के लिए आप लोगों का विभाजता का नियम याद रखना है। सबसे पहले हम आ गए, यहाँ 20 देख लिए, यहाँ 30 भी देख लिए, यूनिट डिजिट 0 है। अच्छा, 20 से भाग करेंगे तो शेषफल आ रहा है 16। 20 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 16, अर्थात 16 घटाने पर हमें यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट 20 का मतलब यूनिट डिजिट 0 होना। 16 घटाने पर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है? नहीं। 16 घटाने पर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है? हो सकता है 16 घटाने पर नहीं आया। 16 घटाने पर यूनिट डिजिट नहीं आया तो जहाँ यूनिट डिजिट 0 होगा वही आंसर कर देंगे। मात्र हाफ सेकंड का सवाल था, ये हाफ सेकंड वाले समझ में आ गया। सर हमें 20 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 16 आया, मतलब 16 घटाने पर यूनिट डिजिट 0 आएगा, क्योंकि 20 से भाग करने के लिए अंतिम अंक 0 चाहिए तब विभाजित होगा। तो जो शेषफल बच रहा है घटाने पर 0 आना है। यहां 16 घटाएं यूनिट डिजिट 0 नहीं, 6 में से 6 घटाएं 0 हो सकता है, 0 में से 6 0 नहीं हुआ, 64 में से यहां 6 में से 4 गया 0 नहीं हो सकता। तो 0 जहां यूनिट डिजिट हुआ ही नहीं वहां आंसर कैसे करेंगे? तो ऐसे सवाल को हम लोग विद इन सेकंड आंसर करेंगे। कैसे आंसर करेंगे सर? विद इन सेकंड। आगे बढ़ जाए फिर से सर एक बार और, साउंड नहीं जा रहा है सर। वेट करना है, वेट। देखिए तो अब साउंड जा रहा है सही सर, धीरे धीरे बोल रहे हैं सर, धीरे धीरे नहीं कस के बोल रहे हैं। साउंड देखिए तो हम भी एक बार चेक करते हैं साउंड सही जा रहा है कि नहीं। साउंड जा रही है? यस या नो, तब आगे बढ़ेंगे। जब साउंड ही नहीं सही रहेगा तब मजा कैसे आएगा? बाय ऑप्शन वाला एक बार और बताना है सर। यस सर, ठीक है सर। बाय ऑप्शन एक बार और समझ लीजिए। बाय ऑप्शन है कि इसे हम लोग पूरा मिटा दिए, हम लोगों को घटाने के बाद अगर हम 20 से भाग, 20 और 30 यूनिट डिजिट 0 वाला ले लिए, जैसे 20 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आ रहा है कितना? 16, मतलब 16 घटाने पर यूनिट डिजिट 0 होगा तब कटेगा। तो यहाँ 16 घटा दिए तो यूनिट डिजिट 0 नहीं हुआ, यहाँ 16 घटा दिए तो इकाई का अंक 0 हो रहा है,
यहां 16 घटा दिए तो इकाई अंक जीरो नहीं हुआ, यहां 16 घटा दिए इकाई अंक जीरो नहीं हुआ, क्योंकि 20 से वे संख्या विभाजित होंगे जो 2 और 10 से विभाजित होंगे, और 10 से विभाजित होने वाली संख्या का इकाई का अंक जीरो होना है तो विभाजित होगा। इसका यूनिट डिजिट जीरो हुआ ही नहीं तो ये पूर्णतः विभाजित हुआ ही नहीं। इसका आंसर करिए, कह रहा 6 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमशः 15, 25, 35, 42, 70 से विभाजित करने पर क्रमशः 11, 21, 31, 38, 66 शेषफल बचे। तब ये 15 से विभाजित करने जा रहे हैं, कमेंट बंद, इसको बाई ऑप्शन हम लोग चुटकी में उड़ा देंगे सर। 15 से विभाजित करने जा रहे हैं, 25 से विभाजित करने जा रहे हैं, 35 से करने जा रहे हैं, 42 से करने जा रहे हैं, तो शेषफल 11, 21, 31, 38। सबसे पहले जो बाई डिटेल करना चाहिएगा वो एलसीएम ऑफ लीजिएगा 15, 25, 35, 42, और इसके के मल्टीपल में रिमाइंडर को जोड़ देना। पॉजिटिव रिमाइंडर समान नहीं है तो संख्या और शेषफल के अंतर समान होगा। 15 11 का अंतर 4, 25 21 का अंतर 4, संख्या और शेषफल का अंतर समान, तबे नेगेटिव रिमाइंडर समान है। तो ऐसे सवालों को हम फिर यहाँ चल रहे हैं बाई ऑप्शन, कमेंट बंद। यहाँ हम 25 देख लिए सर, 25 का मतलब कि अंतिम 2 अंक विभाजित होना है, तो 21 घटाने के बाद अंतिम का 2 अंक विभाजित होना है, तो 25 हम 21 घटा दिए तब यहाँ अंतिम का 2 अंक कितना हो गया, 75। ये हो सकता है नहीं, यहां हम 21 घटा दिए तो अंतिम का 2 अंक 35 हो गया, 35 विभाजित नहीं है। यहां 21 घटा दिए तो अंतिम का 2 अंक 25 है, हो सकता है नहीं, हो सकता है। यहां का जब हम लोग 21 घटा दिए तब यहां भी 25, हो सकता है नहीं। तो जब हम ऑप्शन से चले तब बाई ऑप्शन एक ही छाट पाए, कौन सा छटा है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम छाट दिए, बाकी 3 गो में कोई भी हो सकता है। अब आगे इससे आगे बढ़ें तब यहाँ 15 वाले दिखाई दिया, 15 का मतलब 3 और 5 दोनों, 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना है, तो अंक का योग, लेकिन 11 घटाने के बाद सर 11 का डिजिटल सम 2 है सर, 11 का डिजिटल सम लगा दिए तो 11 का डिजिटल सम 1 + 1 = 2, तो 2 घटाने पर हमें 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है, 3 से विभाजता के नियम है कि अंक का योग करके 3 से विभाजित करना है। यहाँ आ गया 6 अकेला विभाजित है, 9 अकेला विभाजित है, तो 4 7 + 1 = 8 में से 2 चला गया 6, हो सकता है नहीं, हो सकता है। यहाँ चलाएं तो 6 अकेला विभाजित है, 4 + 4 = 8, अकेला 8 और 1 = 9 ही, टोटल हम ऐड कर देते हैं। यहाँ जब हम ऐड किए तो 4 + 4 = 8 और 1 = 9, और 9 में से 2 चला गया 7, ये 7 विभाजित नहीं है, नहीं होगा। यहाँ 6 अकेला विभाजित है, 4 + 1 = 5 और 1 = 6, और 6 में से 2 यहाँ से चला आया 4, ये भी विभाजित नहीं है। 3 ऑप्शन छाट दिए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया एक बार यस लिखिए, समझ में नहीं आया एक बार नो लिखिए। आया समझ में यस या नो, समझ में आया तो यस लिखना है, नहीं समझ में आया तो नो लिखना है, नो। समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो लिखना है। आया समझ में यस या नो, बढ़िया करा। 70 भी है क्वेश्चन में बाबा, 70 से तो और चलते तब बढ़िया हो, लेकिन नहीं, 70 में 66 घटाते तो यूनिट डिजिट सब जीरो हो जाता। लिख दीजिए 70 और यहाँ कितना हो गया है 66, तब 70 को भी आज छूट गया, 70 भी लिख दीजिएगा, 70 भी लिख दीजिएगा, छूट गया है तो। फिर से सर एक बार और कमेंट आप बंद कर देना, कमेंट बंद करिए, बात को समझिए। फिर से सर बाई ऑप्शन ऐसे चलने में बेस्ट है, बाई ऑप्शन के लिए आप लोगों को कितना बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है,
क्या पढ़ाया गया है, तो कहिएगा कि सर विभाजता के नियम। फिर से एक बार बात को समझना, जब भी हम लोग को बाई ऑप्शन चलना है तो अब हम चल दिए तीन से, पंद्रह वाले उठाए, पंद्रह का मतलब तीन गुना पाँच, और तीन से विभाजित होने के लिए डिजिटल सम तीन से विभाजित होना है, अंकों का योग तीन से विभाजित होना है। अंक का योग करेंगे लेकिन पंद्रह से विभाजित करते हैं तो ग्यारह शेष बचता है, ग्यारह घटाएंगे सर, ग्यारह घटाने के लिए डिजिटल सम दो घटाना पड़ेगा, तो सब में दो दो को घटा करके देखते हैं कि कितना विभाजित है, विभाजित है तीन से कि नहीं। तीन से छः अकेला कट रहा है हटा दीजिए, तीन से नौ अकेला कट रहा है हटा दीजिए, कमेंट बंद बात को समझिए, तीन से छः कट गया, तीन से नौ कट गया हट गया, यहाँ सात और एक आठ, और आठ में से दो चला गया, सात प्लस एक आठ, आठ में से दो चला गया छः, तीन से विभाजित है तो हो सकता है नहीं, हो सकता है छः अकेला कट गया, पाँच और एक छः अकेला कट गया, या अकेला कट गया था तब यहाँ, तो पहले बी ऑप्शन तो छाड़ दिए थे हम लोग सर, बी को बार बार क्यों चेक करेंगे, बी ऑप्शन पच्चीस वाला से छाड़ दिए थे, तब पच्चीस वाला से छाड़ दिए, यहाँ छः अकेला कट गया, चार चार आठ और एक नौ, नौ में से दो चला गया तो सात, सात तो कट नहीं रहा है हट गया तीन से, यहाँ छः अकेला कट गया, चार एक पाँच और एक छः, छः में से दो चला गया तब ये हो गया चार, चार भी तीन से नहीं कट रहा है तब ये भी नहीं होगा, तीन ऑप्शन हट गया तो ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। बाई डिटेल चलना है, एलसीएम ले लेना है, पंद्रह पच्चीस पैंतीस, पंद्रह पच्चीस पैंतीस बयालीस सत्तर का एलसीएम में, एलसीएम के गुना में इनके अंतर को घटा देंगे, और अंतर चार है तो चार को घटा देंगे, ऑलवेज अंतर सेम होगा। अब आशा करते हैं कि बात समझ में आया होगा। बिहार एसएससी के लिए सर, ये तो बिहार एसएससी के लिए यही है सर, दो कहाँ से आया, ये ग्यारह हमको घटाना है, और ग्यारह का डिजिटल सम अंक का योग दो आ गया सर, एक प्लस एक दो, ग्यारह के अंकों का योग कर दिए तब दो आ गया। इक्कीस पर आ जाइए, इक्कीस के वो छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, जिसे 16, 24, 30, 36 से विभाजित करने पर 8, 16, 22, 28 से सफल बचता है, तो 7 से विभाजित, और वो है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है, 7 से, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए फिर बाई ऑप्शन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि 16 इनका डिफरेंस क्या है, समान है ना, समान है ना, 16 8 का डिफरेंस 8, 24 16 का डिफरेंस 8, 30 और 22 का डिफरेंस 8, 36 और 28 का डिफरेंस हो गया 8, कहिएगा यस सर, डिफरेंस 8 हो गया है, और हम लोग को किससे क्या करना है, उनके छोटी से छोटी संख्या के अंक का योग निकालना है, और अंकों का योग जो 8 शेषफल बचे 16 से भाग करने पर, 24 से भाग करने पर 16, सबसे पहले एलसीएम बताइए, 16 से कटे, 24 से कटे, 30 से कटे, 36 से कटे, इनका एलसीएम क्या होगा सर, एलसीएम बताइए कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 16, 24, 30, 36 से कटने वाले एलसीएम, सबके कमेंट बॉक्स में एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम पीडीएफ नहीं मिला है सर, पीडीएफ इसका स्लाइडिंग पीडीएफ भी और प्रिंटेबल पीडीएफ भी, आप पीके सर मैथ्स टेलीग्राम पर जाइएगा ना, पीके सर मैथ्स ऑफिशियल, पीके सर मैथ्स ऑफिशियल, तो मिल जाएगा आपका पीडीएफ, पीडीएफ वहां मिल जाएगा, अभी पीडीएफ पर चर्चा नहीं, अभी पीडीएफ पर कोई चर्चा नहीं, अभी एलसीएम पर चर्चा, एलसीएम बताइए, इंतजार है कमेंट का, कमेंट का इंतजार है सर, 720 ए हुआ, वाह आज आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं ना, बैठे रहना है क्योंकि 2023 को तो विदाई है सर, ये दो दिन भी कम से कम 2023 में चुरा करके बढ़िया से मेहनत कर लीजिए कि यही दो दिन का और एक्स्ट्रा मेहनत 2024 में काम कर जाए। अब यहाँ से एलसीएम ले लिए तो हो गया 420, 420 एलसीएम आ रहा है, एलसीएम हो गया 420, हम लोग को छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, तो कहिएगा कि 420, 420 के मल्टीपल में इनका डिफरेंस का हम यहाँ घटा दिए,
आ गया संख्या 420 के माइनस 8। अच्छा, वो 7 से पूर्णतः विभाजित होना है, तो आप कहिएगा कि 420 के माइनस 8 में 420 के एलसीएम हो गया 420 के माइनस 8, 7 से हमें विभाजित होना है, तो के का मान क्या होगा, पहले 7 से भाग कर दीजिए, तब यहाँ हो गया 7 × 42, ये 7 से 420 कट गया ना, 7 × 42 तो कट गया, यहाँ के का मान कैसे आएगा, तो 420 7 × 42 42, के का कौन कौन से मान रखेंगे कि पूर्णतः ये 7 से कट जाएगा, 7 से एलसीएम 8, 16, 22, 28, इनका अंतर कितना हो गया, 16 और 8 का अंतर कहिएगा, 16 और 8 का अंतर हो गया है सर आपको, 16 और 8 का अंतर कितना, के का मान कौन सा होगा कि ये पूर्णतः विभाजित होगा, कौन सा के का मान होगा, 420 के माइनस 8 कौन सा संख्या है, के मान बताइए कि कौन से संख्या में पूर्णतः विभाजित होगा, 720 होगा, 420 नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि 420 कैसे हो गया, 720 720 होगा सर, तो 720 लिख दिए, 720 के माइनस 8 संख्या पूर्णतः 7 से कटना चाहिए, तो 720 के और माइनस 8, 7 से संख्या कटना है, काट दीजिए 7 से, 7 से जब भाग लगाएंगे तब 70 20, 7 × 14 6 के बचा, 6 के और 8 में 7 से भाग लगाएंगे तो 1 बचा, 6 के माइनस 1 22 से 1, सबसे पहले बताइए कि ये बात इतना समझ में आया, 6 के माइनस 1 22 से 1 समझ में आया, 7 से भाग कर दिए, 720 के में 7 से भाग किए, 720 में 720 में भाग कर दिए कितना से, कहिएगा कि 7 से, तो एक बार में 7 लग गया, यहाँ आया 20, फिर दो बार में लगा दिए 14, शेष बच गया 6, तब यहाँ 6 के लिख दिए, 8 में 7 से भाग कर दिए, तो 8 में 7 से भाग कर दिए, तो एक बार में शेष बच गया 1, 6 के माइनस 1, 6 के माइनस 1 कहिएगा, यस सर, सब आंसर भी कर रहे हैं, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसे कब होगा कि जब आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे तब ऐसे दनादन आंसर आ रहा, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे बिना कॉपी पेन का आंसर कैसे आएगा। अब हम लोग के का कौन सा मान हम इस पर रख दें, के का कौन सा मान की पूर्णतः विभाजित होगा, कहिएगा सर के बराबर पहले 1 रखते हैं, 7 से विभाजित नहीं है, 2 रख दिए 7 से विभाजित नहीं है, 3 रख दिए तो 6 × 3 = 18 नहीं है, 4 रख दिए 6 × 24 और 24 में से 1 नहीं है, 5 रख दिए नहीं है, तब अब 6 रखने जा रहे हैं, यस सर, 6 × 36 में से 1 गया 35, के बराबर 6 पर ये मान भैरी कर जाएगा, तो के बराबर 6 होगा, ये नंबर जनरल फॉर्म हो गया 720 के माइनस 8, के का मान हो गया 6, 720 में 6 से गुना करेंगे 8 घटा देंगे 0, 6 × 12 7 × 42 और 4320 में से 8 चला गया, वो नंबर 4312 है, लेकिन इनके अंकों का योग निकालना है, तो 4 + 3 + 1 + 2 कितना हो गया, 4 × 3 = 7 और 7 + 3 = 10, अंकों का योग 10 हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आया था बी भैया मेरे, आया था 720 कैसे हुआ सर, एलसीएम 16, 42, 30, 36 का एलसीएम हो गया 720, एलसीएम लेने के बाद हो गया 720। सेशन को शेयर करिए कि जो कोप्चे में सोए हुए हैं ना वो जग करके जुड़े, सोने से काम नहीं चलेगा, अब नहीं, अब क्यों, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी, संघर्ष जारी रखना है, तब तक जारी रखना है जब तक कि ज्वाइनिंग लेटर घर पर तक नहीं पहुंच जाए, और ज्वाइनिंग लेटर के साथ कोपचे में आइए, मिलिए मिठाई के साथ, तब ना मजा आएगा सर, अब आएगा मजा।
हम लोग देखिए मात्र चुटकी में सोल्व, ऐसे सवाल को चुटकी में कैसे सोल्व करते हैं, बाई ऑप्शन, कमेंट बंद। अब चुटकियों में हम सोल्व करने जा रहे हैं बाई ऑप्शन। अब चलेंगे हम यहां 36 देख लिए सर, 36 का मतलब कि 4 गुना 9, और 9 से वे संख्या विभाजित होती है जो अंकों का योग 9 से विभाजित होती है। अच्छा 36 से भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 28। सर कह रहा कि 36 से भाग करिए तो शेषफल बचेगा 28, और 28 का डिजिटल सम निकालिएगा तो 2 + 8 = 10, 10 का डिजिटल सम निकालिएगा तब 1 हो गया, मतलब 1 घटाने पर 9 से विभाजित होना है। कौन से मान में हम 1 घटाएंगे कि 9 से विभाजित होगा, कौन सा मान में 1 घटा देंगे कि 9 से विभाजित होगा, तो 1 घटाने पर 9 से विभाजित है कहिएगा नहीं सर, 1 घटाने पर 9 से विभाजित है हो सकता है, 1 घटाने पर 9 से विभाजित है नहीं, 1 घटाने पर 9 से विभाजित है नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1 घटाने पर 1 कहां से लाएं, 28, 36 से भाग करते हैं रिमाइंडर 28 होगा, 28 का डिजिटल सम कितना हो गया 1, अर्थात अंकों के योग में 1 घटा देंगे तो 9 से विभाजित होना है, मात्र एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। तो ऐसे सवाल को पेपर में देखेंगे उड़ा देंगे, चुटकी में, चुटकियों में सर इसका आंसर करना है। बेहतरीन सवाल है 22 नंबर, 22 नंबर सवाल का आप आंसर करके बताइए, कैसा सवाल है सर 22 नंबर। सॉल्यूशन वाले पीडीएफ मिल जाएगा सर टेलीग्राम में। किया जाए आंसर किया जाए, कह रहा संख्या 9847 में न्यूनतम किस संख्या को घटाना जाना चाहिए, कौन सी संख्या को घटा दे कि 10 9 8 7 2 से विभाजित किए जाने पर 9 8 7 6 1 शेषफल बचता है। सर 10 से विभाजित करिए तब 9 से विभाजित करिए, 8 से करिए, 7 से करिए, 6 से करिए, 5 से करिए, 4 से करिए, 3 से करिए, 2 से करिए, ये संख्या है, और रिमाइंडर यहाँ हमको दे रखा है 9 8 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद है आपको 5, 5 4 3 2 एक, तो संख्या और शेषफल का रिमाइंडर का संख्या और शेषफल के अंतर समान है, इनका नेगेटिव रिमाइंडर समान है। सर सबसे पहले इनका एलसीएम बताइए, संख्या का एलसीएम कौन सा संख्या होगा जो 10 से कटे, 9 से कटे, 8 से कटे, 7 से कटे, 6 से कटे, 5 से कटे, 4 से कटे, 3 से कटे, 2 से, क्विकली डायरेक्ट बताइए कौन सी संख्या है जो सभी को पूर्णतः काट दे, सभी को पूर्णतः काट दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। वाह गजब यादव जी, गजब यादव जी, पढ़ता कम है सारी लिखता है ज्यादा, कोपचे में लेना पड़ेगा यादव जी को, इसका आंसर करिए ना सर जल्दी। एलसीएम कमेंट का इंतजार है, कमेंट का एलसीएम हो गया कितना 25-20, वाह पहले से ये सब सोल्व करके लगता रखा हुआ, 25-20 एलसीएम हो गया सर, कौन सा एलसीएम हो गया सर 2520, और 2520 में हम लोग को घटाना पड़ेगा कितना कहिएगा कि एक, एक हम लोग घटाएंगे 2520, तो 2520 के मल्टीपल में एक घटाना पड़ेगा, कौन सा संख्या है कहिएगा 9847, 9847 है जो हमें विभाजित किससे होना है 2520 से, भाग करिए तो 2520 से हम लोग इसमें जब भाग कर दिए 2520 से कितना बार में भाग लगेगा सर, तीन बार में, चार बार में तो लगेगा नहीं, 7560 हो गया, यहाँ बचा 7, 14 में से 6 गया 8 हो गया, यहाँ 2 और यहाँ बच गया कितना 1, 1287, तब 9847 में अगर 1287 हम घटा देते हैं तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है 0, 14 में से 6 8 गया था 6 हो गया, 7 में से 5 गया 2 गया था 5 हो गया, और यहाँ हो गया 8, 9 में से 1 गया 8, 8560, पूछेगा कि वह कौन सी संख्या है तो हम कहेंगे 8560 है सर, लेकिन हमें एक 8560 में से एक घटा देंगे तो आप कहिएगा 8500, 8559, वह नंबर 8559 है,
मिनिमम से मिनिमम कौन सी संख्या से भाग करेंगे? 10 से, तो शेषफल बचेगा कौन? कहिएगा 9। 8 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 8। अब हम लोगों को कह रहा कौन सा संख्या न्यूनतम घटा दिया जाए, तो संख्या दिया है 98। 9800 कितना? 47। और हमें घटा देना है 8559 ही रखना है। कौन सी संख्या को घटाना पड़ेगा? 17 में से 9 गया 8, और यहाँ हो गया 13 में से 5 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 12 7 में से 5 गया 2, 2 यहाँ आ गया 1200, 2288 है। कहीं हम लोग को गड़बड़ हो गया है घटाने में क्या? यहाँ 8560 है और यहाँ 9847 है, 9847। यहाँ 7 में से 17 में से 9 गया 8, 13 में से यहाँ 2 आ गया और यहाँ 1288 आ रहा है सर। एक बार देखिए तो कैलकुलेशन कहीं भी मिस्टेक है, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है। 2287 होगा सर, 2287 होगा, कहीं घटाने में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भैया, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। देखिए तो कहाँ गड़बड़ है, 2287 होगा, 7 यहाँ 2287, एक मिनट, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, 2287 यही गड़बड़ था, यही हम लोगों को गड़बड़ था। तो 2287 यहां से घटाना पड़ेगा, एक मिनट, गड़बड़ हो गया हम लोग को कैलकुलेशन ही। तब 2287 को घटा दीजिए, 0 हो गया, 14 में से 8 गया तब हो गया 6 हो गया, और यहाँ 7 5 हो गया है, और यहाँ हो गया आपको 7, 7560। दो और घटा, एक और घटा दीजिए, क्योंकि एक है जो संख्या शेषफल का अंतर है, ये तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 7559। 7559 नंबर है जो पूर्णतः विभाजित होगा, तो 9847 9847 में 7559 हमें रखना है, तो कितना घटाने की आवश्यकता है? 8 यहाँ से हो गया, यहाँ भी 8 हो गया है, 2288 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कितने घटाने की आवश्यकता है, तो हम कहेंगे 2288 घटाने की आवश्यकता है, 2287 नहीं, 2288 एक एक्स्ट्रा घटाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कहाँ से आया? संख्या और शेषफल के अंतर एक एक्स्ट्रा आया। अब जो बाई ऑप्शन चेक करना चाहते हैं, तब बाई ऑप्शन में तो ये 10 भी दिखाई दे रहा है सर। यूनिट डिजिट हमें कितना चाहिए? कहिएगा कि यूनिट डिजिट हमें 0 चाहिए। किस ऑप्शन में 0 मिलेगा? तब ये 98, बात को समझिए, 98 मतलब 9847 में हमें 2286 भी घटाना है, और 10 से भाग कर दिए तो 9 भी, यूनिट डिजिट 0 कहाँ हो गया? 9 और 6 15, यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। ऐसा ही यहां घटा देंगे तब यहां भी यूनिट डिजिट 0 नहीं, यूनिट डिजिट 0 सी पर आ रहा है, तब बाई ऑप्शन में इकाई का अंक 0 करना पड़ेगा, और जहां 0 हो जाएगा वही आंसर होगा। ऐसे बाई डिटेल भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसका आंसर करिए, इसका आंसर करके आप बताइए। ये कह रहा है कि जब तीन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक में क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बजना प्रारंभ होते हैं, तो तीनों एक साथ पूर्वाहन 10 बजे बीप करता है, माने एक साथ 10 बजे जब बजता है, तब वह एक साथ फिर अगली बार कब बजेगा? जब भी ऐसा सवाल आ जाए, घंटी बजना स्टार्ट हो, या चौराहे पर बत्ती बजना स्टार्ट हो, या बेल बजना स्टार्ट हो, कुछ भी बजना स्टार्ट हो, समय आप बताइए कि वह कौन सा समय है, वह कौन सा समय है जो 48 से भी कट जाए, 72 से भी कटे, और 108 से भी कटे। इनका एलसीएम लीजिए कि कौन समय है जो 48 से कटे, 72 से कटे, 108 से, क्विकली आप इसका एलसीएम बताइए, और वो भी क्विकली बताना है। हम अभी आए हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आना स्टार्ट होगा दो तीन सवाल के बाद से, क्योंकि अब हम लोग का एलसीएम वाले पार्ट समाप्त होने वाला है, अब एचसीएफ वाले पार्ट आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाले पार्ट। तो इसका एलसीएम बताइए, 48, 72 और 108 से कटने वाली संख्या, 48 से भी कटे, 72 से भी कटे, 108 से भी कटे, कितना हो गया? 432। अच्छा, 432 जब एलसीएम आया है सर, तभी सेकंड में है, और
सेकंड को हमको किस में बदलना है, मिनट में, सेकंड को मिनट में बदलना है, 60 से भाग कर देंगे, 432 में जब 60 से भाग किए हैं तो कितना बार में लग गया है, 7 बार में, 7 × 42, तब शेष बचा कितना, 12। अच्छा, जितना बार में भाग लगा उसे मिनट में लिखेंगे और जो शेष बचा उसे सेकंड में लिखेंगे, तो 432 सेकंड को हम लोग लिखेंगे 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड, कितना बजे से, 10 बजे से, तो 10 बजे से 7 मिनट 12 सेकंड के बाद पुनः एक साथ बजना प्रारंभ होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिए। किसे लॉक कर दिए, ऑप्शन नंबर ए को, तो ए को लॉक कर दिया जाए, कर दिए लॉक ए को, हो गया ना लॉक। अब बात को समझना है इसका, कह रहा है 4 घंटियां फिर आ गया, 4 घंटियां 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड, 64 सेकंड के अंतराल पर बचेगा, कोई नया तरीका नहीं। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड और 64 सेकंड का एलसीएम क्विकली बताइए कि 24 से कटे, 36 से कटे, 48 से कटे, 64 से कटे, नहीं डायरेक्ट लेने आता है ना, तो अपना बचपन वाले लगा देंगे और क्विकली बताइए, क्विकली मात्र 8 से 10 सेकंड के अंदर इसका एलसीएम बताइए कि एलसीएम कितना होगा, कमेंट का इंतजार है भैया। क्विकली कमेंट का इंतजार है, बिहार में बहार है ना, वैकेंसी का धरमार है, बिहार है भैया, खूब वैकेंसी आ रहा, तो जरूरी नहीं कि बिहार ही में, सेंट्रल सरकार भी बहुत सारा वैकेंसियां आप देंगे, वो सेंट्रल हो या स्टेट लेवल हो। कह रहा है कि यूपी में भी बहार है सर, हाँ यूपी में भी, यूपी पुलिस 60,000 आया है, तो सगर बहार रहेगा, 2024 है ना, 2024 गोल्डन ईयर, वो पहले ही आप लोग को बता चुके हैं, 576 आया है सर, तब इनका एलसीएम हो गया 576, अब 576 ही सेकंड है सर, सेकंड, क्योंकि सेकंड में है तो सेकंड आया है एलसीएम। अब हम लोगों को कह रहा कि 7 घंटा 12 मिनट में कितना बार बजेगा, तो सबको हम मिनट में बदल दिए, 7 घंटा को लिख दिए 420 मिनट और यहाँ 12 घंटा हो गया, तो 12 मिनट तब हो गया कितना सर, 422 मिनट, 422 मिनट, समझ में आ गया, 422 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 7 घंटा में 420 मिनट हो गया, और 12 मिनट और 422 मिनट, और प्रत्येक 556 सेकंड पर एक बार बजना प्रारंभ होगा, तो 422 मिनट, 422 मिनट है सर, और इसको सेकंड में कितना कहा गया है, 576 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, तो ये 60 से भाग नहीं, ये ऊपर चला गया, या मिनट को सेकंड में बदल देने के लिए ऊपर में 60 से गुना कर दिए, तो ये सेकंड में बदल गया, और 576 से हम भाग कर दिए, काट छाट करिए तो कटने छाटने वाला है, काट छाट कर करके हमें मान निकालिए, जब काटने छाटने गए तो 15 से कट गया 4 बार में, 4 से हम काट दिए 14 × 56 और 4 × 16, 14 × 56, 4 × 16, 144 से कितना बार में कट गया सर, 144 से कटने वाला है क्या, 4 से कट गया 15 × 60 बार में, 14 × 56 हो गया, बाकी 4 × 16, अब इसको 4 × 3 = 12, 42 और एक मिनट, कहीं गड़बड़ तो हो गया है लगता है, 422 नहीं 432 होगा, क्योंकि कट नहीं रहा है, 432 सेकंड मिनट है, 432 है सर, 432, 432, तब यहाँ 432 लिख दिए, कितना लिख दिए, 432, क्योंकि कट नहीं रहा है तो पॉइंट में आ जाएगा, 432, 144 से 3 बार में कट गया, अर्थात 45 बार बजेगा, कितना बार बजेगा सर, 45 बार बजेगा, 432 होगा सर, लिख दिए अब 432, क्योंकि कमेंट देखने के लिए थोड़ा सा ये साइड होना पड़ता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, 432, 432। अच्छा अब बताइए कि आंसर कौन सा होगा,
ऑप्शन ए बी सी और डी में आप लोग ईमानदारी से ऑप्शन में टिक करना है कि कौन सा आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, कौन सा ऑप्शन होगा सर। ऑप्शन में आप आंसर लगाइए कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी में कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बताइए ऑप्शन। अब बहुत सारे ये मार रहा है, नहीं यहां अब दो सवाल पूछे जाएंगे। पहला पूछेंगे, पहला कि कितने कुल कितना बार एक साथ बजा, एक साथ कुल कितना बार बजा, एक साथ कुल कितने बार, कुल कितने बार बजेगा, एक साथ कुल कितने बार बजेगा। और दूसरा, दूसरा आपको पूछेगा कि और एक साथ कितने बार बजेगा, और एक साथ कितने बार बजेगा, एक साथ कितने बार बजेगा, और एक साथ कितने बार बजेगा। एक है कि कुल कितने बार एक साथ बजेगा, अब है कि और एक साथ कितने बार बजेगा। तो क्या लिखा है, कह रहा हूं वे कितनी बार एक साथ, और नहीं लगाया है, कितनी बार एक साथ, और कहता तो हम कहते कि 45, और के मतलब कि पहला वाले को छोड़ दीजिए, पहला जो एक साथ बजा है कितना, एक साथ चार घंटिया पहले बजना स्टार्ट हुआ है, तो एक साथ बजना जो स्टार्ट हुआ है उसको छोड़कर और कितना एक साथ बजेगा, तो कहेंगे और एक साथ बजा 45 बार। लेकिन हम लोग को और नहीं पूछा है, कह रहा है कि वे कितनी बार एक साथ बजेगा, तो 45 बार टाइम इंटरवल में, एक बार वह स्वतः एक साथ बज चुकी थी, तो टोटल का टोटल 46। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 46 होगा सर। कितना हो जाएगा भैया, 46, 46, 46, एक साथ कहा तो एक साथ कितना बार बजा, 46 बार। कहेगा कि और एक साथ कितना बार बजा, तब कहते 45। कहीं जब और नहीं लगाया हुआ है तब एक जोड़ करके, क्योंकि जो पहला बार एक बार जो बचा था उसको भी जोड़ देंगे, और कहेगा तो जोड़कर। इसका आंसर करिए, कह रहा ए बी सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार, इसमें तीन कॉन्सेप्ट होते हैं सर, ये सर इसमें तीन कॉन्सेप्ट होते हैं सर्कुलर पाथ का। सर्कुलर पाथ का कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, कहिएगा तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, और बात को समझना है कि वो तीनों कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तीनों कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना है, तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे दे रखा है सर्कल, ये सर्कल दे रखा है, कहिएगा यह सर, और ये सर्कल पर यह जो व्यक्ति कोई भी बिंदु से चलना प्रारंभ किया, ए और बी, या तो विपरीत दिशा में जाएगा या तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, तब पहला जो आपका होगा, पहला कि प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ, प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, कमेंट बंद बात को समझिए, प्रारंभिक बिंदु पर, बिंदु पर एक साथ, एक साथ कब मिलेंगे, कब मिलेंगे हे सर, प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ कब मिलेंगे। दूसरा, दूसरा जो आपको कहेगा कि पहली बार एक साथ कब मिलेंगे, पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे, कब मिलेंगे सर, कब मिलेंगे, पहली बार एक साथ कब मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर मतलब जहां से चला है उसी बिंदु पर एक साथ कब मिलेंगे। तो हम कहें कि सर इसका चाल कुछ होगा, इसका चाल होगा V1 और V2, और इनका डिस्टेंस दे रखा है D, तो प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ कब मिलेंगे, जब टाइम हम लोग निकालेंगे तो ऊपर डिस्टेंस लिख देना है और नीचे लिख देना है चालों का, चालों का एच सी एफ, चालों का एच सी एफ, एच सी एफ महत्तम समावर्तक। अच्छा पहली बार एक साथ कब मिलेंगे, तो पहली बार सेम डायरेक्शन में जाएगा तो हम चाल को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ेंगे, तब पहली बार जब मान निकालना है तब हम लोग ऊपर डिस्टेंस लिख देंगे, डिस्टेंस, और हम लोग लिख देंगे रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षित चाल, सापेक्षित चाल, सापेक्षित चाल, सापेक्षित चाल लिख देंगे सर, सापेक्षित चाल।
अब तीसरा पॉइंट क्या है, ये अब आप आ रहा होगा ख्याल में कि तीसरा पॉइंट क्या है गुरुजी, तीसरा पॉइंट चेला जी ये है कि वह कुल कितने बार मिलेंगे, वह कुल कितने बार मिलेंगे, कुल कितने बार मिलेंगे, कुल कितने बार मिलेंगे, या कितने बिंदु पर मिलेंगे, वह कुल कितने बिंदु पर मिलेंगे, वह कुल कितने बिंदु पर मिलेंगे, कुल कितने बिंदु पर मिलेंगे। मीटिंग पॉइंट, मीटिंग टाइम नहीं, ये सब मीटिंग पॉइंट टाइम है और मीटिंग पॉइंट हो गया, मीटिंग पॉइंट हो गया सर। और मीटिंग पॉइंट जब हम लोगों को रहेगा मीटिंग पॉइंट, तो ऊपर में चालों का, ऊपर में ले लेंगे चालों का, चालों का सापेक्षी चाल डायरेक्ट लिख देते हैं, सापेक्षित चाल रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, सापेक्षित चाल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सापेक्षित चाल, ऊपर हो जाएगा सापेक्षित चाल, सापेक्षित चाल, सापेक्षित चाल, और नीचे हो जाएगा चालों का एचसीएफ, चालों का एचसीएफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट तीन कॉन्सेप्ट है और ये तीनों कॉन्सेप्ट के एक बार आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, और कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर पाथ 20-25 मिनट का एक हम अलग उसको कॉन्सेप्ट समझाएंगे जो ये तीनों पर सवाल रहेगा। अभी फिलहाल ये तीनों कॉन्सेप्ट का क्या ले लेना है, ले लीजिए यहाँ से, क्या ले लेना है सर, कहिएगा कि ये ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। सर खान सर के दरोगा क्वेश्चन डिस्कशन का, सर खान सर का तो दरोगा मेंस वाला आ गया है सर, मेंस वाले आ गया है, खान सर में मेंस वाले आ चुका है केजीएस में बैच, वहां से आराम से इनरोल खान ग्लोबल स्टडीज डाउनलोड करिए और इंजॉय करिए जम करके सर, और खूब मेहनत करना है क्योंकि जब तक मेहनत न करिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, मेहनत के आगे ही सब कुछ है। तो मेंस में जिनको लग जाना है वो देरी नहीं करना है, आराम से बैच परचेज कर लें और अभी से लग जाए, क्योंकि हमें तो संभावना ही नहीं है कि ये जो चल रहा है, समझ ही रहे हैं कि कितना इधर उधर हो जाता है, तो भी एक कैंसिल होने वाले अब एग्ज़ाम है नहीं, तो माइंड को प्रिपेयर कर लेना है जो दरोगा वाले हैं वो आराम से मेंस में अब लग जाएं, मेंस में लग जाएं, कुछ नहीं होगा हमें लगता है। लिख लिए सर, वाह गजब गजब, कब तक चलेगा, जब तक आप लोग पढ़िए ना सर तब तक। एबीसी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम के एक ही बिंदु पर, ये सर समय दे रखा है, समय दे रखा है तो और आसान हो गया, समय दे रखा है तो सिर्फ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 252, वह कौन सा संख्या है जो 252 से भी कट जाए, वह कौन सा संख्या है जो 308 से भी कट जाए, वह कौन सा संख्या है जो 198 से भी कट जाए, इनका एलसीएम बताइए, इनका एलसीएम बताना है। वह कौन सा, समय दिया हुआ है तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, वह कौन सा संख्या है जो 252 से भी कटे, 308 से भी कटे और 198 से भी कटे, क्विकली क्विकली आप एलसीएम लेकर के बताइए कौन सा है। यहाँ आ गया एक शैलेश यादव जी शायर लोग, कह रहा है कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिखलाएंगे, जिस लम्हे में तुम जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त फिर नहीं आएगा, जो करनी है कर गुजर जा, होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा, मेहनत करना है, कुछ नहीं होगा, मेहनत करेंगे रिजल्ट होगा, जॉब होगा, घर में दीपावली मनेगा, घर में दीपक जलेगा, माता पिता के एज 10 साल इंक्रीज होगा, मेहनत करिएगा तब, जॉब होगा तब, ये सब अपने लिए नहीं मेहनत करिए, अपने माता पिता के लिए मेहनत करिए, लेकिन जम करके लग जाना है। 2024 को किसी तरीका से भी नहीं बकसना है, वो मुट्ठी में लेकर के चलाना है सर। ये जो आने वाले 5-6 माह है वो समझना है कि बहुत अपॉर्चुनिटी वाले समय है, इसे हम लोग बकसेंगे ही नहीं, इसी तो 5-6 माह के मेहनत रंग लाएगा, जो पूरा जिंदगी रंगीला रहेगा सर, रंगीला रहेगा, रंगीला।
एलसीएम आया? ए भैया एलसीएम अभी तक किसी को नहीं आया है, धन्य है प्रभु आप लोग धन्य है। 2772 सेकंड सर, 2772 2772 सेकंड, सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से हम लोग भाग कर देंगे, 2772 में 60 से भाग कर दिए तो 4 बार में लग गया 240, 73 फिर ये 2 बार में लग गया, 3 बार में फिर 3 बार में लग गया तो 300, 6 बार में ना, 6×36, 6 बार में लग गया तब यहाँ हो गया 2, जो शेष बचा उसे सेकंड में, जितना भाग लगा मिनट में, अर्थात 46 मिनट 12 सेकंड के बाद, 46 मिनट 12 सेकंड के बाद, 46 मिनट 12 सेकंड के बाद वे तीनों फिर प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे, 46 मिनट 12 सेकंड के बाद तीनों व्यक्ति फिर एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर सर। कौन सा बिंदु पर? प्रारंभिक बिंदु पर। क्या सर एसएससी और रेलवे का सिलेबस सेम होता है? नहीं सर, एसएससी का थोड़ा सा लेवल का सवाल रहता है, एडवांस के ज्यादा पोर्शन रहता है और इसमें थोड़ा सा कम रहता है, यहां बात को समझना। 5 किलोमीटर आ गया, सबसे पहले देखिए कौन सा बिंदु कहा? प्रारंभिक बिंदु कहा, तो आप प्रारंभिक बिंदु का टाइम निकालिए, तो आप जानते हैं कि टाइम बराबर ए हो गया डिस्टेंस ऊपर में, टाइम बराबर ऊपर में क्या हो गया है सर? डिस्टेंस, और नीचे में चाल का एच सी एफ, चालों का एच सी एफ, चालों का एच सी एफ। जैसा ही प्रारंभिक बिंदु कहा तो ऊपर में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? 5, ऊपर में 5 किलोमीटर दे दिए। चालों का एच सी एफ कितना है? 2×4 और 1/5/2, यहाँ कितना है सर? 3 किलोमीटर, 3/1, यहाँ कितना है? 2/1। इनका हम लोग एच सी एफ लेंगे तो ऊपर का हम लोग एच सी एफ ले लिए 1 और नीचे का एल सी एम 1/2, चालों का एच सी एफ 1/2 आ गया, ऊपर जाके 2 से भाग हो गया तो 10 घंटा में एक साथ मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। कहीं भी आपको जब एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कहा तो ऊपर में दूरी, नीचे में चाल का एच सी एफ, तो डिस्टेंस बटे चालों का एच सी एफ, एच सी एफ ऑफ वेलोसिटी या एच सी एफ ऑफ स्पीड, वेलोसिटी कहिए या स्पीड कहिए, बात क्या होता है? एक ही होता है। आगे बढ़े, सौन घर घर आ रहा है सर, देखिए तो घर घर घूर घूर नहीं करना चाहिए, सौन सौन एकदम घर घर कर रहा है तो भी कहना कि बहुत स्मूथली आ रहा है सौन सर, आ रहा है कोयल जैसी दम आवाज, सुरीली आवाज आ रहा है, ये बोलना है। अच्छा, इसे दूसरा तरीका यह है, तो पहला तरीका आप समझ ही गए इस तरीके से बनाना है, दूसरा तरीका यह है कि सर एक वृत्ताकार क्या है आप कहिएगा, छोटा सा सवाल थोड़ा सा कर देते हैं, सवाल को जैसा ही हम लोग छोटा करेंगे तो सवाल को हल्का छोटा करके आप बात को समझेंगे, सवाल छोटा कर दिए छोटा ना, अब बात को समझिए कि अगर ये पूरा सर्कल है, कमेंट बंद कर दीजिएगा, कमेंट करना बंद करिए, बात को समझना, अगर ये आपका सर्कल है सर, सर्कल कहिएगा यस सर, ये सर्कल जो है इनका परिधि कितना किलोमीटर दे रखा है? 5 किलोमीटर, और यहाँ से 3 व्यक्ति एक ही बिंदु पर चलना प्रारंभ किया, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु से ए बी और सी तीनों चलना प्रारंभ किया है, ए का चाल कितना है? 5, ए का चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का चाल कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सी का चाल कितना है? सी का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5 किलोमीटर नहीं, 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग टाइम ऑफ ए निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, 5/5/2 हो गया तो कितना समय लग गया? ए को लग गया 2 घंटा। टाइम ऑफ बी निकालेंगे, इसको दूरी को तय करने के बी को कितना समय लगा, तो हम कहेंगे दूरी बटे चाल, दूरी 5 है चाल 3 है तो 5/3 घंटा हो गया। तीसरा समय निकालेंगे, टाइम ऑफ सी, दूरी बटे चाल, यहाँ कितना घंटा हो गया? 5/2 घंटा हो गया। और जब समय दिया है तो वह कौन सा समय है जो 2 से भी कटे, 2 से भी कटे, 5/3 से कटे,
पांच बटे दो से कटे, इनका एलसीएम। अब समय निकाल लेंगे तो एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, दस बटे एक कितना हो गया, दस घंटा। दस घंटा के बाद एक साथ वे दोनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। दूसरा तरीका हम आप लोगों को क्या बताएं, दूसरा तरीका हम बताएं कि जब भी एक साथ मिलना है तो टाइम बराबर डिस्टेंस ऊपर में और एचसीएफ ऑफ वेलोसिटी, HCF ऑफ वेलोसिटी को नीचे में लिखेंगे। तो जब टाइम निकाल दिए, प्रारंभिक बिंदु पर निकालना है, तब टोटल दूरी है पाँच और HCF निकाल दिए, पाँच बटे दो, तीन से कटे, दो से कटे, HCF हो गया एक बटे दो, तो ऊपर जाकर गुना हो गया दस घंटा। जिनका मन है दूसरे से बनाइएगा और जिनका मन है पहला तरीका से बनाइएगा। पहला तरीका में समय निकालना पड़ेगा और समय निकाल करके LCM निकालना पड़ेगा। पहला तरीका है कि समय निकालिए और समय निकाल करके LCM निकालिए, तब मान होगा। आगे बढ़ें, एच सी एफ कैसे निकाले सर, एच सी एफ सर पाँच बटे दो और यहाँ हो गया तीन बटे एक और यहाँ हो गया आपका दो बटे एक। एच सी एफ निकालने के लिए, एच सी एफ जब हम लोग को निकालना है तो ऊपर वाले का एच सी एफ लीजिएगा, ऊपर पाँच तीन दो इसका आप एच सी एफ लीजिएगा और नीचे वाला का एच एल सी एम लीजिएगा, दो एक एक इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो ऊपर का एचसीएफ आ गया एक और नीचे का एलसीएम दो, तो एक बटा दो। फ्रैक्शन का एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। फ्रैक्शन का एचसीएफ ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। एलसीएम लेना है तो एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ लेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। 27 पर आइए, तीन आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं, कदम क्रमशः 63 सीएम ले। कौन सा कदम है, कदम का मतलब चलने वाला कदम, खाने वाला कदम नहीं। 63, 70 और 77, इनका एलसीएम ले लीजिए। कौन सी संख्या है जो 63 से भी कटे, 70 से भी कटे और 77 से भी कटे, तब एक एलसीएम लीजिएगा। एक ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन भी चल सकते हैं। 63 का मतलब हो गया 7 गुना 9, 9 से कटेगा कौन कौन सी ऑप्शन, तो 9 से जो कटेगा वही एलसीएम होगा। यहाँ 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब 77 पर हम आ गए, तो 77 का मतलब 7 गुना 11 से वे संख्या कटता है जिनका अल्टरनेट योग का अंतर 0 हो या 6 3 9, यहां अल्टरनेट नहीं, 6 3 9 ही हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहां हो गया 9 6 15, नहीं होगा। तो जब तीन ऑप्शन जब छाट दिए तब बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एलसीएम भी लीजिएगा, तब हो गया 6930। एक तो हम ऑप्शन से काटने के लिए समझाए, एक डायरेक्ट बहादुरी दर्शा के एलसीएम लीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। मिक्स प्रैक्टिस कब होगा सर, सर जी सेट का मिक्स प्रैक्टिस सेट मंडे टू फ्राइडे तो चल ही रहा है सर, मंडे टू फ्राइडे आपको चल रहा है ना, चल रहा है ना पीके सर मैथ्स ऑफिशियल पर, पीके सर मैथ्स ऑफिशियल पर मंडे टू फ्राइडे, पीके सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर 8:15 में डेली चल रहा है, सुबह में सर, सुबह में डेली चल रहा है मंडे टू फ्राइडे 25 क्वेश्चन का धुआंधार डिस्कशन, धुआं भी और धार भी, धुआंधार डिस्कशन चल रहा है। अब इसका आंसर करिए, आंसर इसे करना है क्विकली, क्विकली आंसर करना है सर।
अब चला वही भी बफरिंग हो रहा है, एक बार कमेंट तो करिए, कुछ तो बोलिए। अब चल रहा होगा, दौड़ रहा होगा। अब सही हो गया, ये हुआ बात। सही होगा ना तो क्यों नहीं सही होगा, सही हो गया। अब हम लोग को ये सवाल कितना बेहतरीन सवाल था, इसका हम लोग सॉल्यूशन कर दिए। अब आ जाइए 28 नंबर सवाल। सर 28 नंबर सवाल से सबसे पहले कौन सा सवाल बनाइए, 28 से पहले 29 कमेंट बंद। बेहतरीन सवाल में से एक सवाल है, कह रहा तीन प्राकृतिक संख्या 150, 144 एक्स, एलसीएम 10,800 है, एक्स के कितने मान संभव है, नंबर ऑफ फैक्टर से है, ये भी वही है 1728 तथा के का लघुत्तम समावर्तक 5184 है, तक के कितने मान संभव है। तो जब भी हम लोग का सिमिलर जो 28 है वही 29 है। सबसे पहले 1728 का जब हम लोग प्राइम बेस में लाएंगे तो 1728 12 का क्यूब है सर, और 12 को लिख देंगे 4 × 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2 × 3 के पावर 1 का क्यूब, तब ये हो गया आपको 1728। 1728 को लिखेंगे 2 के पावर 6, 1728 हो गया 2 के पावर 6 × 3 के पावर 3, और 1 है यहाँ के, और इन्हीं का एलसीएम दोनों का दे रखा है कितना, 5184। 5184 को जब हम प्राइम बेस में लाएंगे तो सबसे पहले 5184 में 2 से भाग करिए, तो 2 से भाग कर दिए, 25 × 50, 9 × 18, 2 × 4, फिर 2 से भाग कर दिए, तब ये हो गया 12 × 24, 24, 9 × 18, 6 × 12, फिर यहाँ से हम भाग कर दिए 2 से, तब एक कट गया 6 × 12, और 4 × 8, 4 × 8, 8 × 16, 648, फिर हम भाग कर दिए तो आप कहिएगा कि सर ये हो गया आपको 324, फिर हम भाग कर दिए, भाग करते रहेंगे तब ये हो गया आपको 162, 162, फिर 162 को 2 से भाग कर दिए तब ये हो गया 81, फिर हम भाग कर दिए, 81 को लिख दीजिएगा 3 के पावर 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 आ गया है 6 बार सर, 2 6 बार आ गया है, और 3 आ गया है 4 बार, 3 आ गया 4 बार, 81 है ना, तो 2 आया 6 बार, 3 आया 4 बार। इसको प्राइम बेस में लाएं, किसको लेके चलाएं प्राइम बेस में, 5184 कमेंट बंद। बेहतरीन सवाल में से एक सवाल है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाने का प्रयास करेगा तो इस तरीके का आपका सवाल देगा। तो जब भी हम लोग को इस तरीके के सवाल निकालना है तो सबसे पहले प्राइम बेस में लाएंगे, जैसे कॉमन फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए प्राइम बेस में लाते थे, तो ऐसे सबको प्राइम बेस में लाएंगे, 2 के पावर 6, 3 के पावर 3, इसका मान लेके चलाएं तो हो गया 2 के पावर 6, 3 के पावर 4। आप जानते हैं कि एलसीएम हाईएस्ट पावर होता है, एलसीएम जो होता है वो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर एलसीएम होता है, हाईएस्ट पावर एलसीएम होगा सर, कहिएगा यस, और लोएस्ट पावर एचसीएफ होता है, HCF होता है लोएस्ट पावर, छोटा पावर लोएस्ट पावर HCF होगा, HCF। तब हम लोग को K का जब मान निकालना है तो 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 6 मतलब 2 के सबसे हाईएस्ट पावर 6 होगा, तब 2 से 6 से बड़ा नहीं लेंगे, तो हो सकता है कि K के मान में 2 के पावर 0 मतलब 2 रहे भी नहीं, या 2 एक बार हो सकता है,
दो दो बार हो सकता है, दो तीन बार हो सकता है, दो चार बार हो सकता है, दो पांच बार हो सकता है, दो छह बार हो सकता है। हाईएस्ट पावर छह है तो जीरो से लेकर के छह बार दो हो सकता है, क्योंकि इनका एलसीएम ही दो के पावर छह है। यहां आपको कमेंट करने की आवश्यकता है, कमेंट करिए समझ में आ गया तो यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो लिखना। यहां कमेंट करने की आवश्यकता है भैया मेरे, समझ में आ गया यस, नहीं समझ में आया नो, लिखिए तो यस या नो, कमेंट 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 करिए कमेंट, समझ में आया है यस लिखना है, नहीं समझ में आया है नो लिखना। कमेंट करिए सर, कमेंट भैया कमेंट, यस सर नो सर, यस सर नो सर। आपका चैनल कौन सा है सर? मेरा है, अपना ही चैनल है ना, पीके सर मैथ्स, ये आप तो अपना ही चैनल है। नहीं समझ में आया कमेंट करना बंद करके और बात को आप समझिए, बात को समझ लेना, फिर से एक बार बात को समझना। एलसीएम सबसे पहले 1728 को प्राइम बेस में लाएंगे, अपना बचपन वाले नियम से दो छः बार तीन तीन बार आया। 5184 को प्राइम बेस में लाएं तो दो हो गया छः बार, तीन हो गया चार बार, और एलसीएम हाईएस्ट पावर होगा। यहाँ दो के पावर छः, यहाँ भी दो के, हो सकता है यहाँ दो के पावर छः ही तक हो, दो के पावर सात नहीं लेना है, क्योंकि सात रहता तो डायरेक्ट हम सात लेंगे, तो यहाँ हो सकता है दो के पावर जीरो हो सकता है, दो के पावर एक हो सकता है दो के पावर दो हो, तभी एलसीएम कितना होगा, दो के पावर छः, हो सकता है दो के पावर तीन तो भी छः ही रहेगा, हो सकता है दो के पावर चार छः रहेगा, हो सकता है दो के पावर चार तो भी छः रहेगा, हो सकता है दो के पावर पाँच छः रहेगा, दो के पावर छः रहेगा तो भी एलसीएम छः ही रहेगा, लेकिन जब दो के पावर सात लिख देंगे तो एलसीएम दो के पावर छः नहीं, दो के पावर सात हो जाएगा। हाईएस्ट पावर एलसीएम होता है। अच्छा सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक सवाल है सर, तो दो छः बार हो गया। अच्छा, तीन के पावर तीन है और तीन के पावर चार है, हाईएस्ट पावर एलसीएम होगा तो इन दोनों में तीन के सबसे ज़्यादा पावर होगा वही एलसीएम होगा। यहाँ तीन के पावर तीन है लेकिन ये कह रहा है कि तीन के पावर चार, अर्थात इसमें तीन के पावर चार होगा सर, ये फिक्स है। अब यहाँ तीन के पावर जीरो से नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि तीन के पावर तीन हाईएस्ट पावर एलसीएम, तो दूसरा वाले में तीन के पावर चार होगा, तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर तीन के पावर चार लिख दिए, तो दो कितना बार संभव है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बार संभव है। तीन के पावर चार कितना बार है, एक बार। टोटल कितना पॉसिबल वैल्यू के का है, सात, सात पॉसिबल वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक सवाल है। एक बार फिर कमेंट करने की आवश्यकता है, समझ में आया यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए, एक बार फिर से सभी लोग मिलकर के कमेंट में कर दीजिए यस या नो, यस या नो कमेंट, एक बार फिर से सभी लोग मिलजुल कर, एक बार मिलजुल कर कमेंट कर दीजिए यस या नो। सात मान पॉसिबल, वाह गजब गजब गजब, सबका आंसर आना स्टार्ट हुआ सर। दोनों में जो हाईएस्ट पावर होता है एलसीएम, दोनों में जो लोएस्ट पावर होता है एचसीएम, दो के पावर छः, दो के पावर छः, मतलब यहाँ दो के पावर जीरो से लेकर छः तक के का मान इसमें पॉसिबल है, और यहाँ है तीन के पावर चार, यहाँ तीन ही के पावर तीन है, तो हाईएस्ट पावर एलसीएम मतलब के वाला में तीन के पावर चार होगा, तब यहाँ से सात, यहाँ से एक, सात गुना एक, सात पॉसिबल वैल्यू। सिमिलर सवाल 29 है, सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए। 29 नंबर सिमिलर सवाल है सर, सिमिलर, कोई शॉर्टकट नहीं सर, ये लॉन्ग कट ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्राइम बेस नहीं लाइएगा तब तक आंसर शॉर्टकट में कैसे, लॉन्ग कट करना पड़ेगा, लॉन्ग कट। तीन प्राकृतिक संख्या 150 150 को प्राइम बेस में लाएंगे तब 25 छंके 150, 25 छंके 150, तीन के पावर दो, पाँच के पावर दो हो गया। अब यहाँ आ गया 144, 144 हो गया 12 के गुना 12, अच्छा 12 गुना 12 को लिख दिए 4 गुना 3 और 4 गुना 3 16, 16 नमें 144, 16 को लिख दिए दो के पावर 4,
और 9 को लिख दिए 3 के पावर 2। अब यहाँ एक्स है, इनका एलसीएम कितना दे रखा है कहिएगा। इसका एलसीएम दे रखा है सर, एलसीएम ए 10,800। अच्छा, 10,800 को लिखेंगे, 108 को 27 × 4 लिख दिए, यहाँ 25 को लिख दिए 4 × 25। अच्छा, 4 × 4 = 16 का मतलब 2 के पावर 4 हो गया, और 27 को लिख दिए 3 के पावर 3, और 25 को लिख दिए 5 के पावर 2। प्राइम बेस में लेके चले आए, 108 × 100, 108 को 27 × 4, 100 को 4 × 25, 4 × 4 = 16, 16 का मतलब 2 के पावर 4, 27 का मतलब 3 के पावर 3, 25 का मतलब 5 के पावर 2। तभी प्राइम बेस में आप लोग को खुद लाना पड़ेगा, कितना जल्दी आप प्राइम बेस में ले आते हैं। और प्राइम बेस में लाने के बाद हाईएस्ट पावर एलसीएम और लोएस्ट पावर एचसीएफ, हम लोग को यहां से मान निकालना है कि सर हाईएस्ट पावर एलसीएम और लोएस्ट पावर एचसीएफ एक्स का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू है। और ये भी हम आपको बताए हैं कि जो एलसीएम जो है ना वो सभी में सम्मिलित रहेगा तो भी लेंगे, और सभी में सम्मिलित नहीं रहेगा तो भी लेंगे, लेकिन एचसीएफ दोनों में कॉमन फैक्टर वाले को लेना है। सर 2 के पावर 4, यहां 2 के पावर 4 है तो हो सकता है 2 के पावर 0 भी हो सकता है, 2 के पावर 1 भी हो सकता है, 2 के पावर 2 भी हो सकता है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। 0 से लेकर 4 तक संभावना है, क्योंकि यहां 4 दे रखा है। तब यहां न भी रहेगा तो भी 2 के पावर 4 होगा, 2 के पावर 1 भी रहेगा तो भी एलसीएम 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 भी रहेगा तो भी एलसीएम 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 भी रहेगा तो भी एलसीएम 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 भी रहेगा तो भी एलसीएम 2 के पावर 4। लेकिन जैसा ही 2 के पावर 5 लिख दिए तब ये पूरा मामला गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ नहीं पूरा गड़बड़ हो जाएगा सर, पूरा गड़बड़। अब हम लोग को 2 को मामला क्लियर कर दिए, 3 पर आ गए, यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, लेकिन यहाँ 3 के पावर 3 है, हाईएस्ट पावर एलसीएम अर्थात यहाँ 3 के पावर 3 होगा तब एलसीएम 3 के पावर 3। यहाँ 5 के पावर 2, यहाँ भी 5 के पावर 2, तो हो सकता है कि 5 के पावर 0, 5 न भी हो सकता है, या 5 1 बार हो भी सकता है, या 5 2 बार भी हो सकता है। तब एक कितना बार 2 आया, 2 टोटल 5 बार, 3 1 बार, 5 आ गया 3 बार, तब 5 × 1 × 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स 15 है, टोटल 15 बार पॉसिबल है। एक्स के कितने मान संभव हैं कहिएगा, एक्स का 15 मान संभव है, 15 कितना, 15, वाह गजब गजब। 150 वाला गलत कर दिए सर, 25 × 150 गड़बड़ हो गया। ए भैया ये गड़बड़ कैसे, आंसर कैसे मिल गया, तो एक गड़बड़ 25 × 150 का मतलब 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2। हाँ तो भी सही है, तो भी आंसर पर अभी हम लोग को प्रभाव नहीं पड़ा। 25 वाले हो लिख दिए 150 मतलब 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2, तो भी आंसर पर हम लोग का अभी भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि 2 1 बार है, 2 4 बार है, तो यहाँ 1 बार नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, या मैक्सिमम 4 बार, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, मैक्सिमम 3 के पावर 3, 5 यहाँ 2 बार है, तो 5 मैक्सिमम 2 बार हो सकता है, तो 2 का पॉसिबल वैल्यू 5, 3 का हो गया 1, और 5 वाले 3, टोटल 15, आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। परसेंटेज का ले लीजिएगा सर, हाँ भैया परसेंटेज का भी ले लेंगे, परसेंटेज का भी लेंगे, लेंगे तो लेंगे, इसका आंसर करिए। वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना जाने कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है, मोस्ट भी और इंपॉर्टेंट भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ये तीसरा टाइप है सर, कौन सा टाइप, तीसरा, थर्ड टाइप, तीसरा टाइप वाले है। जब हम आपको बताए थे कि पहला टाइप में पॉजिटिव रिमाइंडर समान, दूसरा टाइप में नेगेटिव रिमाइंडर समान, तीसरा टाइप में कि कोई रिमाइंडर ही समान नहीं होगा, कह रहा कि पी 3 अंकों की इससे पहले, सबसे पहले आप 31 पर धावा बोलिए, 7 तथा 6 से विभाजित होने वाले संख्या, सर 7 से भाग करने जा रहे हैं 6 से, तर शेषफल आ गया 1,
शेषफल आ गया चार। अच्छा, ये पॉजिटिव रिमाइंडर समान नहीं है, नेगेटिव देखते हैं। सात और एक का अंतर छः, छः और चार का अंतर दो, नेगेटिव रिमाइंडर भी समान नहीं है। तो नहीं पॉजिटिव रिमाइंडर समान हुआ, नहीं नेगेटिव रिमाइंडर समान हो गया। अब इस सवाल को कैसे बनाइएगा? बाई ऑप्शन कहिएगा, यहाँ तो बाई ऑप्शन भी चलेंगे सर, लेकिन ये 30 नंबर वाले में बिना ऑप्शन को कैसे बनाइएगा सर? फिर से बात को इसे समझना है, ये टाइप थर्ड वाले है कि जिसका पॉजिटिव रिमाइंडर भी समान नहीं हो, नेगेटिव रिमाइंडर भी समान नहीं हो, तब अब कहेगा कि सर ऐसे तो बताए थे सीधा का जोड़ क्रॉस का गुना, सीधा का जोड़ क्रॉस का गुना। वो कब बताए थे? कि जब कर्मागत भाग रहेगा, कर्मागत भाग रहेगा तब सर, कर्मागत भाग रहेगा तब। एक कर्मागत भाग जब समय हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे होंगे या जिस समय पढ़े थे उस समय हम लोग एक कर्मागत भाग वाले में चले थे कि सीधा का जोड़ क्रॉस का गुना, सीधा का जोड़ क्रॉस का गुना। और कर्मागत और क्रमशः का हम लोग यहां डिस्कस किए थे कि कर्मागत भाग का मतलब कि पहली बार संख्या में भाग देना है, फिर इसके बाद जितनी बार भाग देना पड़े उसके शेषफल में देना है। और क्रमशः भाग का मतलब कि जितनी बार भाग देना हो, जितनी बार भाग देना हो, प्रत्येक बार संख्या में भाग हो, वो होता है क्रमशः। ये क्रमशः भाग है, क्रमागत नहीं। एक ही संख्या में छः से भाग दिए शेषफल एक, वही संख्या में सात से भाग दिए एक, छः से भाग दिए चार, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सा है? प्राकृतिक संख्या। इसे तो आप आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बाई ऑप्शन चलेंगे तो सात से भाग करेंगे एक शेषफल नहीं है, सात से भाग करेंगे एक शेषफल सही है, छह से भाग किए तो चार शेषफल। कहिएगा यस सर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये सवाल यहाँ हम लोग बाई ऑप्शन चले, और बाई ऑप्शन चलने पर ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कौन सा ऑप्शन चलने पर? बाई ऑप्शन। लेकिन हम बाई ऑप्शन नहीं चलेंगे, कमेंट बंद। बेहद बेहतरीन सवाल है सर। सर आप कहिएगा कि कोई नंबर होगा, कमेंट बंद सर, कोई नंबर एन होगा, उसमें सात से भाग कर दिए हैं तो एक्स बार में भाग लगा होगा और शेषफल बचा होगा एक। पहला वाले से ले लिए कि कोई नंबर है एन, उसमें सात से भाग किए तो एक्स बार में भाग लगा, शेषफल बच गया एक। कोई एन नेचुरल नंबर एन है, सात से भाग किए एक्स बार में भाग लगा, शेषफल बच गया एक। तो आप ये जानते हैं कि जिससे हम भाग करते हैं वो होता है सर जी भाजक, और जिसमें भाग दे देते हैं वो होता है भाज, और जितने बार में भाग लगाते हैं वो होता है भागफल, और जो बच गया उसी को हम लोग बोलते हैं शेषफल। जो बच गया उसे हम बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर सर। सीबीएसई वाले भी इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बार पढ़ देते हैं। भाजक का मतलब डिवाइजर, भाज का मतलब डिविडेंड, भागफल का मतलब कोशियन, शेषफल का मतलब रिमाइंडर। सर ये डिवाइजर, डिविडेंड, कोशियन और रिमाइंडर में संबंध क्या होता है? तो आप जानते होंगे कि भाज बराबर, भाज का जब हम लोग को मान निकालना है तब भाज बराबर भाजक गुना भागफल, भाज बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस का शेषफल होता है शेषफल। ये आपको जब भी हम लोग को संख्या निकालने के लिए आ जाए तब भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, अर्थात डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोशियंट प्लस रिमाइंडर होगा। अब हम लोग को एन का मान यहाँ से निकालना है, तो कितने लोग समझें कि एन बराबर भाज बराबर भाजक गुना भागफल सात गुना एक्स प्लस का शेषफल एक होगा, अर्थात एन का जो मान होगा वो 7x+1 होगा। इतना बात समझ में आया तो एक बार यस, और नहीं समझ में आया है तो एक बार नो में लिखना है, यस या नो में एक बार लिखिए। तो सर आवाज डबल आ रहा है कभी कभी सर, ये दूसरा वाला आवाज कहाँ से आ रहा है? दूसरा वाला देखिए तो आप सही जा रहा है, डबल कैसे चला जाता है? समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया नो लिखना। समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया नो। साउंड ठीक कीजिए, साउंड कम चलाओ है कि नहीं,
एक बार बोलिए तो आप लोग, कम चलाओ है तो यस लिखना है, कम चलाओ अगर है तो एक टाइप कर दीजिए, अगर साउंड कम चलाओ है तो एक टाइप करिएगा, और कम चलाओ नहीं है तब दो टाइप कर दीजिएगा। कम चलाओ है तो एक टाइप कर दीजिए, कम चलाओ नहीं है तो दो टाइप कर दीजिए, एक या दो। कम चलाओ है एक और दो में टाइप करना है। यस सर, कम चलाओ तो काम चलाना, हम लोगों तो हम लोग को सिर्फ काम चलाते रहना। फिर से बात को समझिए, मान लिए कि संख्या n है, कमेंट करना बंद करिए, बात को समझिए। मान लिए कि संख्या n है और n में सात से भाग किए तब भागफल x बार में लगा और शेषफल एक आ गया, तो n बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, n बराबर 7x प्लस ओवन, 7x प्लस 1 आ गया n का मान। और जब n का मान आ गया है, अब कह रहा है कि सर इसमें जब 6 से हम भाग करते हैं तब 4 शेषफल बचता है, अर्थात इस नंबर में 6x प्लस 7x प्लस ओवन में अगर 4 घटा देंगे, 7x प्लस ओवन में अगर 4 हम घटा देंगे तो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, अर्थात 7x माइनस 3 6 पूर्णतः विभाजित होगा 6 से। बात को समझिए, 6 से भाग कर रहे हैं संख्या में तो शेषफल 4 आ रहा है, मतलब 4 अगर इसमें घटा देंगे तो 6 से संख्या कट जाएगा, 4 घटाने से 6 से संख्या क्या हो जाएगा, कहिएगा यस सर कट जाएगा। तो 4 घटा दिए तो 6 से कट जाना है, 7x माइनस 3 6 से कटना है, x का कौन सा मान पर एक कटेगा, x बराबर 1 दे दिए नहीं कटा, 2 दे दिए तो 7 दूना 14 में से 3 चला गया नहीं कटा, 2 पर भी नहीं, 3 दे दिए तो 7 या 21, 21 में 3 पर कट जाता है सर, x का मान 3 पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो x बराबर 3, n का मान है 7x प्लस का ओवन, x का मान है 3, तो n बराबर हो गया 7 गुना 3 प्लस 1 21 और 1 22, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो नेचुरल नंबर है ऑप्शन नंबर बी 22 हो गया, ऑप्शन नंबर बी 22 हो गया सर। आवाज गूंज रहा है सर, गूंजता है ज्यादा ना, ये गूंज क्यों रहा है, गूंजना नहीं चाहिए, माइक को नजदीक कर दीजिए, या अब माइक को नजदीक कर दिए, देखिए तो गूंज रहा है अब क्या, अब माइक को नजदीक किए अभी भी गूंज रहा है, सर आपसे हम CHSL वाले बैच में पढ़े हैं पर आप हाई लेवल पढ़ा दिए थे सर, जब तक हाई लेवल नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा सर, लेवल थोड़ा सा अप रखेंगे तब ना कोई भी सवाल एग्जाम में बनेगा, जब तक हाई लेवल नहीं सर, नहीं आया समझ में, कमेंट बंद कर दीजिए, बात को फिर से एक बार समझिए, कितना बेहतरीन सवाल है, कमेंट बंद, फिर से यहाँ से एक बार बात को समझना प्रयास फिर कर देना, सर कोई संख्या 7 है, कमेंट बंद करिए, कोई संख्या 7 है और उस संख्या 7 में n में 7 से भाग किए तो x बार में भाग लग गया, शेष 1 बच गया, तो n का जब हम मान निकालेंगे तो 7 में x से गुना कर दिए 7x प्लस का ओवन आ गया, पूर्णतः ए है जो संख्या n आ गया, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, लेकिन कह रहा कि 6 से जब भाग करेंगे तो 4 शेषफल बचेगा, मतलब अगर नंबर में 4 हम घटा दे 7x प्लस ओवन में अगर हम 4 घटा देते हैं तो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा, अगर 7x प्लस ओवन में जो 4 शेष बच रहा है वो 4 घटा देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, जो 4 शेष बच रहा था उसको घटा दिए तब पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो कहिए 7x माइनस 3
बाई सिक्स पूर्णतः विभाजित होगा तो x के किस मान पर विभाजित हो रहा है, तीन पर। x का मान तीन दिए, सात या इक्कीस में से तीन गया 18 और 18 में 6 से भाग कर दिए तब हो गया पूर्णतः विभाजित। तो x के किस पर विभाजित है, 6 से तीन पर। अब नंबर जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो सात, x का मान हो गया तीन, सात तिया इक्कीस और एक जोड़ दिए, 21 और एक कितना हो गया 22। वह स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 22 है सर। वह बड़ा से बड़ा नंबर, सो छोटा से छोटा नंबर कौन है, 22 है, 22। आगे बढ़िए, अगला नंबर आप बात को समझना है, जिनका समझ में आया 31 उन्हीं को समझ में आएगा 30। 30 नंबर सवाल, टाइप थ्री से सवाल है, 30 नंबर भी, 30 नंबर क्विकली आंसर करिए। तो फिर कह रहा है कि सर 6 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 5 और 5 से भाग करेंगे तो 3, तो कोई नंबर वो 6 होगा, 6 है जो n में भाग किए, x बार में भाग लग गया और शेष बच गया कितना, 5, शेष 5 बच गया सर। तब जब हम यहाँ से n का मान निकालेंगे तो आप कहिएगा 6x और प्लस 5, 6x प्लस 5, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, n बराबर 6x प्लस 5। अगर हम इसे 5 से भाग करने जा रहे हैं तो 3 शेषफल बच रहा है, मतलब 6x प्लस 5 में अगर 3 घटा दे तो संख्या 5 से कट जाएगी, तब हो गया 6x प्लस 2। 5 से भाग लगाने जा रहे हैं तो x का कौन कौन सा मान होगा, तो सबसे पहले x का मान 1 रख रहे हैं, विभाजित नहीं है, 2 रख दिए, विभाजित नहीं है, 3 पर विभाजित हो गया तो x बराबर 3 पर विभाजित हो गया है सर। वह n का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 6x प्लस कितना होगा, 5, 6x प्लस 5, n बराबर 6 गुना 3 प्लस 5, 18 और 5 23, n का मान वो 23 होगा। वह छोटा से छोटा कौन सा संख्या होगा, कहिएगा वह सबसे छोटा से छोटा संख्या होगा कौन सा, 23। लेकिन कह रहा कि वह तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6 और 5 से विभाजित किया जाता है, 6 और 5 से विभाजित, तो जनरल नंबर हम लोग को निकालना है, जनरल नंबर निकालना है सर। जनरल अगर नंबर हम लोग को निकालना है तब आप कह दीजिएगा एलसीएम ऑफ 6 और 5 के मल्टीपल में 823 को ऐड कर देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड करेंगे, कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग को ऐड कर देना है। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 30 के में 23 ऐड करेंगे, वह संख्या आएगा कि 6 से 36 कट जाएगा, 6 से 30, 6 से 5, 23 शेषफल आएगा। तो जब भी जनरल फॉर्म होगा एलसीएम ऑफ 65 के मल्टीपल में स्मॉलेस्ट नंबर को जोड़ना है, मेन है यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए यहाँ से हम लोग x का मान पर निकाल दिए, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा नंबर निकाल दिए, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए है तो हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर निकाले। इतना बात समझ में आया, स्मॉलेस्ट नंबर बढ़े, अब यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर 23 जोड़े हैं, लेकिन तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा, तो आप कहिएगा कि तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, इसमें हम 30 से भाग करने जा रहे हैं तो लग गया तीन बार में 90 हो गया, फिर यहाँ आ गया 99, फिर तीन बार में लग गया तो कितना हो गया सर, 90, शेष बचा कौन सा, 9, शेष बचा 9, 9 शेष बचा। तो आप कहिएगा कि सर ये तो शेष बचा 9, तो 9 घटाएंगे तो 990 होगा क्या, नहीं, ये 990 नहीं करना है आपको, 30 के कौन सा मल्टीपल में लाएंगे, अब यहाँ के कमान आप लोग को खुद सोचना पड़ेगा कि हम लोग को 999 के नज़दीक में चलना है, तो के स्थान पर कौन सा मान दे देंगे कि 30 से गुना करेंगे और 23 जोड़ेंगे तो 999 के करीब चल आए, तो के का मान कितना दे आप लोग बताइए, 33 या 99, 990 ज्यादा हो जाएगा।
ज़्यादा हो जाएगा सर, हमें तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या रखना है, चार अंक का बन जाएगा। तो अब 32 तिया 66, 32 अगर के बराबर 32 दे दे, क्योंकि 33 में ज़्यादा हो रहा है, तो के बराबर जब हम लोग यहाँ 32 पुट कर रहे हैं, के बराबर जब 32 पुट कर देंगे, तब 32 तिया 96 960, 960 प्लस 23, वो नंबर पूछता तो हम कहते 983। वो वह तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 983 है, ऐसे भाग दे करके वो नहीं निकाल देना है 990, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग को 30 के प्लस 23 999 के नज़दीक में होना है। तो के का मान पहले हम रख दिए 33, और जब के का मान 33 रख दिए तो ये 990 हो गया। अब इसमें 23 जोड़ेंगे ना तो चार अंक के बन जाएगा, अर्थात के बराबर 32, तो संख्या 983 है। लेकिन 983 में भाग करना है कितना से, 11 से। अब रिमाइंडर बता दीजिए, 11 से लग गया 8 बार में 88, शेष बचिया 9, 93, 8 बार में 88, शेष बचिया 5, पाँच ही शेष बचा ना। 99 में 983 में 11 से जब भाग किए हैं, यहाँ हो गया 20 और 23 960, 32 तिया 96 हो गया 960, 983। हम भाग लगाएं 11 से, 11 से हम 8 बार में लगा दिए, 11 अंठे 88 10 103, 11 नब्बे 99, चार शेषफल बच गया। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बेहतरीन सवाल में से एक सवाल माना जाएगा। समझ में आया तो एक बार यस लिखिए, नहीं समझ में आया हम एक बार और समझेंगे, एक बार दो बार समझ में आ जाएगा। ये सब सवाल को दो तीन चार बार प्रैक्टिस करिएगा खुद से ना, तब ये सवाल अपना होगा, नहीं तो अपना नहीं होगा। एक बार कमेंट करिए तो समझ में आया यस या नो, क्विकली कमेंट करना है सर, क्विकली। 32 के का मान रखेंगे, क्योंकि 33 रख देते हैं तो चार अंक का बन जाता है। यस या नो, यस सर, यस सर, नो सर, नो भी आया है। कमेंट अब बंद, फिर से एक बार बात को समझिए, नो वाले को तो और समझना। सबसे पहले हम लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है कि वह नेचुरल नंबर कौन सा है, और नेचुरल नंबर निकालने के लिए कमेंट बंद बात को समझिए। नेचुरल नंबर निकालना है तो कह रहा है कि आपको संख्या 6 से अगर कोई नंबर में भाग करते हैं, कोई संख्या वो 6 है सर, और 6 से जब कोई नंबर में भाग करते हैं तो x बार में भाग लग गया और शेष बच गया कितना, 5। तो हम ये नंबर निकाल दिए कि नंबर कितना होगा, तो नंबर भाज बराबर भाजा गुना भागफल प्लस शेषफल, वो नंबर 6x प्लस 5 है। लेकिन 5 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल बच रहा है सर। इसमें 5 से जब भाग दे रहे हैं, इसी संख्या में जब 5 से भाग दे रहे हैं ना, तो शेषफल 3 बच रहा है। मतलब 3 घटाने पर ही नंबर पूर्णतः कट जाएगा, 3 घटाने पर नंबर पूर्णतः कट जाएगा, कहिएगा यस सर। तो इस नंबर में 3 घटा दिए, ये नंबर में 3 हम घटाए, 6x प्लस 5 में 3 घटा दिए और 5 से भाग देंगे तब विभाजित हो जाएगा, अर्थात 6x प्लस 2 में 5 से भाग किए तब पूर्णतः विभाजित, तो x बराबर कितना होगा, 3। x के स्थान पर 3 रखेंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। वो नंबर कौन सा है? वो जनरल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर 6x प्लस 5 है, और x के स्थान पर 3 है, तो 6 गुना 3 प्लस 5 कितना हो गया, 23। ये 23 है जो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। कौन सा नंबर आ गया भैया मेरे? स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन हम लोग को जनरल नंबर निकालना है। कह रहा कि जनरल नंबर कौन सा है, ये जनरल नंबर निकालना है सर। और जनरल नंबर का फॉर्म होता है एलसीएम ऑफ नंबर 6 और 5 के मल्टीपल में स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड कर देना है। कौन सा नंबर को? स्मॉलेस्ट नंबर को। ये जनरल फॉर्म का नंबर हो गया। कोई भी नंबर निकालना है तो एलसीएम में स्मॉलेस्ट नंबर को जोड़ेंगे, 6 5 का एलसीएम 30 के, 30 के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर 23 हो गया। इसको हमको कितने करीब में रखना है, 999
निन्यानवे के नजदीक में, 999 के नजदीक रखना है, ज्यादा नहीं, 999 से ज्यादा चार अंक का हो जाएगा। तो के किस मान के लिए 999 तीन ही अंक पर बनेगा, तो हम यहाँ मान पुट किए, के बराबर 33 रख देंगे तो 990 प्लस 23 ज्यादा हो जाएगा, के बराबर 32 रखने पर, और के का मान जब 32 रख दिए तो 30 गुना 32 प्लस 23, 30 में 32 से गुना कर दिए तब ये हो गया 960, 960 प्लस 23, वो नंबर तीन अंकों का कौन है 983, लेकिन ये 983 में भाग कर देना है 11 से, और 11 से भाग करके शेषफल निकालना है, तो वो शेषफल आ गया कितना 4, 983 में 11 से भाग करेंगे और भागफल शेषफल कितना आ गया है, कहिए शेषफल 4 आ गया है सर, शेषफल 4 आ गया है, आया 4, यही सिमिलर है 30 और 31 बेहतरीन सवाल था, 32 पर आइए और बनाइए सिमिलर सवाल है 32। पर आ जाइए, सिमिलर सवाल है, जो 30 वही 31 वही 32 है, तब 32 नंबर कह रहा तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तब यहां आप बाई ऑप्शन भी चल सकते हैं, क्योंकि यहां दे रखा है संख्या, तब बाई ऑप्शन चलिएगा कि 5 से भाग करेंगे तो शेष एक होगा, 5 से भाग करने पर शेष एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, जब बाई ऑप्शन चले, क्योंकि यहां नंबर दे रखा है, और नंबर दे रखा है तब बाई ऑप्शन बेस्ट है, बाई ऑप्शन मात्र हाफ सेकंड भी नहीं लगा, नैनो सेकंड में आंसर कर दिए, लेकिन यही सवाल को नैनो सेकंड में नहीं लगा, ये सेकंड इसको मिनट में हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा बेहतरीन मेंस लेवल का सवाल है, और ये देख रहे हैं बंडे लेवल का सवाल है, वो बंडे का एकदम T20 जैसे मार दिए। अब हम लोगों का बेसिक जब चलना रहेगा तो आप कहिएगा कि सर संख्या में किससे भाग दे रहे हैं, 5 से, तो 5 से भाग दिए कोई नंबर में, एक बार में नंबर लगा होगा, शेष बचा होगा एक, तो नंबर का जो फॉर्म होगा तो 5x प्लस का एक हो गया, 5x प्लस एक नंबर का फॉर्म, नंबर का फॉर्म हो गया 5x प्लस एक, नंबर का फॉर्म हो गया 5x प्लस 1। अब इसमें हम लोग को 5 से भाग करना है, तो कहिएगा कि सर 5x प्लस 1 में 5 से नहीं 8 से, 8 से जब भाग करते हैं तो शेषफल आ जाता है 5, तो यहाँ 5 घटाने पर विभाजित होगा तो 5x माइनस 4 8 भाग दे दिए। x का कौन सा मान रखेंगे कि 8 से कट जाएगा, एक पर नहीं, दो पर नहीं, तीन पर नहीं, चार पर रखे, चार पंचे 20 में से चार, एक से बराबर चार पर पूर्णतः कट गया, एक से स्टार्ट करेगा, एक दो तीन चार पांच, एक से बराबर चार पर, तो जो नंबर हो गया ना वो 5x प्लस 1 अर्थात जो नंबर आया वो हो गया 5 गुना 4 प्लस 1, नंबर हो गया 21, नंबर 21 हो गया, लेकिन तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो जनरल फॉर्म में आ गए, जनरल नंबर निकाल दिए, एलसीएम 5 और 8 के एलसीएम के गुना में स्मॉलेस्ट नंबर जोड़ देंगे, तो 8 पंचे 40 के में 21 को हम ऐड कर दिए, 21 को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब कौन सा हम के का मान रखेंगे कि 999 के नजदीक हो जाए, 999 के नजदीक, सबसे पहले आप बताइए कि के का कौन सा मान रखेंगे कि 999 तीन ही अंक के रखना है, तीन अंक के जहां ज्यादा हो गया तब गड़बड़ हो गया, तीन अंक के रखना है, के का मान कौन सा होगा सर, के का मान कौन सा होगा, 28 नंबर, एक बार और बता देते हैं 28 इसमें क्या है, आया के का कौन सा मान रखेंगे 999, 9 रखेंगे तो 9 × 36 360 प्लस 21, जब 9 10 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो के बराबर हो गया 9, जब 9 रख दिए तो ये हो गया, ये तो 9 पर कैसे ज़्यादा आएगा ना, 9 पर 19 × 76 19 से 19 20 800 हो गया, 21 × 84 हो गया, 24 × 96 के बराबर 24
अगर हम 24 पहले देते हैं, पहले 24 पर समझिए, 24 पर दे दिए तब ये हो गया 960, 960 प्लस 21 कितना हो गया 981। क्या 25 पर भी आएगा? क्या नहीं, 25 तो चार डिजिट का बन जाएगा, तो के बराबर 24 पर 999 के नज़दीक कौन सा तीन अंकों की संख्या है 981। ये बाई डिटेल हुआ, परंतु ये सवाल को मात्र 2 से 3 सेकंड में हम लोग बना देंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बस आज हम लोग यही तक रहेंगे, और थोड़ा सा किनका 28 पर दिक्कत था, तो 28 नंबर सवाल थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है 28 पर, 28 वाले प्रॉब्लम क्या है। 28 है सर 1728, 2 के पावर 6, 3 के पावर 3, और यहाँ है 2 के पावर 6, 3 के पावर 4। ये प्राइम बेस में लाएं, हाईएस्ट पावर एलसीएम 2 के पावर 6 एलसीएम है, तो के का मान 2 के पावर 0 दो नहीं भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस 7 बार 2 संभव है, 3 के पावर 4, 3 के पावर 3 है, तब यहाँ एक ही मान संभव होगा 3 के पावर 4। अब कहिएगा कि सर 3 के पावर 0 नहीं, नहीं, जब 3 के पावर 0 होगा तो एलसीएम 3 के पावर 4 हो जाएगा। क्या 3 के पावर 1 नहीं होगा? नहीं, अगर ये 3 के पावर 1 हो जाएगा तो एलसीएम 3 के पावर 3 हाईएस्ट पावर हो जाएगा। क्या ये 3 के पावर 2 होगा? नहीं। क्या ये 3 के पावर 3 नहीं होगा? हम कहे ये सब नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 3 के पावर 3 भी रहता तो एलसीएम हो जाता 3 के पावर 3, अर्थात कहीं 3 के पावर 4 पॉसिबल वैल्यू है, और जो पॉसिबल वैल्यू रहेगा सबको एक साथ गुना कर देंगे। क्लियर क्विकली? अब हम लोग कल अपने समय पर आएंगे और कल इसे हम लोग समाप्त कर देंगे एनी हाउ, कल, क्योंकि हम लोग का 2023 का विदाई है, और 2023 को विदाई हम लोग आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। ये क्या क्या ओल झोल सब लिख रहा है कमेंट, क्लियर? तो विशेष हम लोग कल 4:15 में जुड़िए, कल लगातार 3 से 4 घंटा कल इसको समाप्त